आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला थाना बदौला कॉलोनी बिहार का है। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगाई गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मनमानी प्रतारू हैं। थाना एतमादौला कालिंदी बिहार में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पहुंचती है, एक दुकान खुली नजर आती है, पुलिस दुकान बंद करने की बात कहती है, नोकझोंक शुरू हो जाती है, नोकझोंक हाथापाई में बदल जाती। ऐसा बताया गया है कि पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। वायरल वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महिलाओं ने खींचतान शुरू की। खींचतान के दौरान कई पुलिसकर्मियों की वर्दियां फट गई, खरोंच के निशान भी आए हैं। सब इंस्पेक्टर रोहित आर्य घायल हो गए, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार के भी चोट आई है, सब इंस्पेक्टर नीतू शर्मा के भी चोट आई है, सब इंस्पेक्टर विनीत राणा के भी चोट आई है, कांस्टेबल प्रियंका यादव के भी चोट आई है, घायलों का मेडिकल करवाया गया है। देखिए, आज मॉर्निंग में चौकी इंचार्ज फाउंड्री नगर एक मोहल्ले में जब अपनी पैदल गश्त न कर रहे थे और उसी के साथ जब लोगों को लॉकडाउन के निर्देश का पालन करने के लिए, आज रविवार है, जो कर्फ्यू लगाया गया उसका पालन करने हेतु लोगों को बताया जा रहा था, कुछ एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी दुकान जो है वो खुली रखी थी, उनको अनुरोध किया गया कि वो अपनी दुकान जो है आज कर्फ्यू के चलते हुए बंद करा दे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया जिससे इंसान की जिंदगी बच सके, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो मनमानी पर उतारू हैं, ऐसे समय में भी इनकम का जरिया ढूंढ रहे हैं, दुकान खोल कर बैठ जाते हैं और कोरोना को आमंत्रित करते हैं। पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। एसपी सिटी कहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उसी में उस दुकानदार, दुकान में बैठे हुए दुकानदार और उसके कुछ अन्य रिश्तेदारों ने पुलिस के साथ बदतमीजी और उनके साथ लाठी डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ने की कोशिश जो है वो की गई थी। इसी न बात को लेकर पुलिस नगर द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत न कर सभी के खिलाफ कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें महिलाएं भी शामिल है। बिना सोचे विचारे पुलिस टीम पर हमला बोला गया, अब खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ती जा रही है। इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर अपनी जगह काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अपनी जगह काम कर रहे हैं, पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, समाज सेवी अपनी जगह काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा भी तमाम सारे कदम उठाए गए। सरकार ने कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लॉकडाउन लगाया जिससे कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके। इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि रविवार को लॉकडाउन रहेगा, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, जरूरी सेवाओं वाले ही लोग घर से बाहर निकलेंगे। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन तमाम ऐसे लोग निकले जो इंसान की जिंदगी खतरे में आने के बाद भी बाजार को, अपनी दुकान को खोले बैठे रहे, घर से बाहर निकले हुए थे, मास्क नहीं लगाया हुआ था। जब पुलिस ने रोकना शुरू किया, पुलिस ने टोकना शुरू किया और पुलिस ने घर वापस भेजने की बात कही तो पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया केवल इनकम के लिए। ऐसे लोग ऐसे मौके पर भी केवल अपनी इनकम देखते हैं। जब इंसान की जिंदगी खतरे में है, खुद की जिंदगी भी खतरे में, पता नहीं कब सांसें थम जाए, इन सब के बावजूद केवल इनकम का जरिया देखा जा रहा है। यही वजह थी कि पुलिस ने रोका तो पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस एक्शन में आ गई है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इंसान की जिंदगी का मामला है। जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।